नमस्कार, आज के इस वीडियो आप सभी को बताने वाला हूं कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका वेटिंग ट्रेन टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा। जी हाँ, अगर आपने वेटिंग टिकट बुक करवा लिया है या फिर वेटिंग टिकट बुक करने की सोच रहे हैं तो पहले आप ये चेक कर लें कि आपका वेटिंग ट्रेन टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका वेटिंग ट्रेन टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो हमारा एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है कि आप तत्काल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, नॉर्मल ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो उस वीडियो पर काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर रहे हैं और कई लोग तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे हैं, कोई मेल भी कर रहा है और अपना PNR नंबर दे रहा है। कह रहा भाई हमारा वेटिंग टिकट है और यह टिकट हमारा कन्फर्म होगा या नहीं होगा, आप बता दीजिए। तो मैं जो है वो चेक करता हूँ और उनको बता देता हूँ कि आपका वेटिंग टिकट है, ये कन्फर्म होगा या नहीं होगा। तो वो अपने फिर हिसाब से अपना जो है प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है, कि जैसे कई लोगों को कहीं अगर जाना है तो पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जो चार्ट बनता है वो 4 घंटे पहले बनता है। 4 घंटे पहले हमें मैसेज आ जाए कि हमारा टिकट जो है कंफर्म नहीं हुआ, हम पहले से तैयार होकर बैठे हैं कहीं जाने के लिए, तो भी बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो पहले से ही आप चेक कर सकते हैं कि आपका वेटिंग टिकट कन्फर्म होगा या नहीं होगा। तो कैसे चेक कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना PNR नंबर लेना है। अगर आप टिकट एजेंट से टिकट बुक करवाए हैं या फिर ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं या फिर रेलवे स्टेशन से टिकट बुक किए हैं, 10 डिजिट का PNR नंबर होता है उस टिकट में। तो यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन टिकट है तो इसमें यहाँ पे PNR लिखा है और ये 10 डिजिट का PNR नंबर है। सबसे पहले मैं PNR नंबर कॉपी कर लेता हूँ अपना, और PNR नंबर आपको लेना है। उसके बाद में क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में ये वाला ऐप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ये डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। वीडियो एंड तक देखेंगे तभी प्रोसेस समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा फिर आप कहेंगे साला छोड़ बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओपन करना है, उसके बाद ट्रेन के ऊपर क्लिक करना है, ट्रेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको PNR इंक्वायरी का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, लाइक करो थोड़ा अच्छा लगता है और वीडियो बनाए मजा आता लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, अपना PNR नंबर डाल देना है, जैसे मैं कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ और सर्च PNR पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कहाँ से कहाँ का ट्रेन है और यहाँ पे ये बुकिंग स्टेटस क्या है और करंट स्टेटस क्या है इसमें दिखा देता है। अब ये टिकट हमारा जो है दरभंगा से पुणे जंक्शन का, और यहाँ पे देख सकते हैं ये स्लीपर का है, जनरल पैसेंजर इसमें एक है, बुकिंग स्टेटस इनका जब बुक किया था तो WL 153 बुक किया था और करंट स्टेटस अभी WL 32 है। WL मतलब वेटिंग लिस्ट है, तो ये टिकट वेटिंग है। अब यहाँ पे वेटिंग का पता चल गया कि ये वेटिंग है। अब ये कैसे हम पता करेंगे कि ये कंफर्म होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना है वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप पूरा डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है CNF प्रोबेबिलिटी, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। CNF प्रोबेबिलिटी पर सिंपली जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें परसेंटेज दिखा देगा कि कितने परसेंटेज चांस हैं इसके कंफर्म होने के। देख सकते हैं यहाँ पे 68% चांस ऑफ कंफर्मेशन, 68% चांस जो है ऑफ कंफर्मेशन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कंफर्म होगा या नहीं होगा, तो आपको बता दूं अगर यहाँ पे 60% से ऊपर चांस दिखाता है तो आप मान के चलिए कि आपका टिकट जो है वो कंफर्म हो सकता है, मतलब हो जाएगा कंफर्म। ठीक है, 60% से ऊपर चांस अगर दिखाता है और वो भी अगर WL या GNWL अगर आपका वेटिंग टिकट है तब, अगर आपके इसमें RL है, RLWL है या PQWL है उसमें क्या होगा वो भी आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आपका 60% से ज़्यादा चांस दिखाता है इस ऐप पे तो आप मान के चलिए आपका टिकट जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। इस तरह से आप चेक कर लेना है। GNWL जनरल वेटिंग लिस्ट होता है, ठीक है, और RLWL जो होता है वो रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं दूसरा जो है PNR नंबर डाल देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे PNR, कई सारे लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च PNR दोबारा करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो है कन्फर्मेबिलिटी जो है CNF प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये RAC है। RAC मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, और ये हाफ मान के चलिए कि ये आधा कन्फर्म ही होता है टिकट। ठीक है, इसमें क्या है, एक सीट 2 लोगों को अलॉट होती है और बाद में जो है अलग अलग उनको कर दिया जाता है, तो ये हाफ कन्फर्मेशन इसे कह सकते हैं। अब मैं दूसरा PNR नंबर डालता हूँ और दोबारा सर्च PNR पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखिए CNF प्रोबेबिलिटी इसमें आ चुका है, क्योंकि ये वेटिंग है और ये वेटिंग है RLWL।
RLWL अब इसमें 8 वेटिंग है, 35 इन्होंने बुक किया था, अभी 8 बचा है, 8 10 जो है 13, 8 से लेकर 13 तक इसमें 6 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो है कंफर्म होगा या नहीं होगा ये कैसे चेक करना है, इनका भी यहाँ पे CNF प्रोबेबिलिटी पर सिंपली क्लिक करेंगे। आपको बता दूँ अगर आप बुक करना चाहते हैं तो GNWL है, तो मान के चलिए कि अगर आपका जो है आप 20 दिन पहले बुक कर रहे हैं और वो उसमें 30 वेटिंग आपको दिखा रहा है, तो मान के चलिए कि वो कंफर्म हो सकता है। और वही 20 दिन पहले अगर आप बुक कर रहे हैं और RLWL है, तो आप मान के चलिए कि वो आधा या 15 वेटिंग जो है तभी कंफर्म होगा, अगर 30 वेटिंग होगा तो कंफर्म नहीं होगा। मतलब पहले सिंपल भाषा में अगर हम बताएं तो पहले GNWL कंफर्म होता है, उसके बाद RLWL होता है और उसके बाद PQWL होता है, ठीक है। तो ये जो है कंफर्म होने के चांसेस में यही होते हैं। अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो अगर GNWL है तो मान के चलिए कंफर्म हो जाएगा, अगर आप RLWL है तो वो थोड़ा उसमें कम कंफर्मेशन चांस होता है, और अगर PQWL है तो बिल्कुल मान के चलिए कि वो जल्दी कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। तो बुक करवाने से पहले आप ये चेक कर लेना। अब यहाँ पे मैं इसमें देखो CNF प्रोबेबिलिटी पर क्लिक किया हूँ तो इसमें चांस नहीं दिखा रहा है कंफर्मेशन का। तो अगर इसमें कंफर्मेशन चांस नहीं दिखा रहा है तो क्या करना है, आगे PNR में अपना PNR नंबर लेना है और आपको बैक आ जाना है। यहाँ पे बैक आता हूँ और आपको ExecuTrain ऐप, ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके PNR में कंफर्म जो है CNF प्रोबेबिलिटी नहीं दिखाता है, वहाँ पे चांस नहीं दिखाता है, तो फिर आपको इस ऐप पे आना है और यहाँ पे आपको PNR स्टेटस पर क्लिक करना है, अपना 10 डिजिट का PNR नंबर यहाँ डालना है। जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ भी बहुत सारे लोगों का चेक करके बताया हूँ, तो यहाँ पे अपना PNR नंबर डाल देना है और सर्च पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे आपको चांस दिखा देगा। देखिए यहाँ पे WL बुक किया था 35, अभी 8 बचा है, तो इसमें भी जो है AC थर्ड AC का टिकट है और 94% 93% 92% 91% चांस यहाँ पे दिखा रहा है कंफर्मेशन का। तो इस ऐप पर आने के बाद में अगर आपको 75% से चांस ऊपर दिखाता है तो मान के चलिए कि आपका टिकट जो है वो कंफर्म हो जाएगा, और अगर 75% से नीचे चांस दिखाता है तो कंफर्मेशन का चांस लो है, इसमें कंफर्म नहीं होगा, टिकट आपका कंफर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर 75 से ऊपर इस ऐप में अगर आपको दिखाता है तो कंफर्म मान के चलिए कि आपका कंफर्म हो सकता है, अगर 90% से ऊपर है तो बहुत ज़्यादा चांस है, तो फिर मान के चलिए कि 100% कंफर्म ही हो सकता है। तो इस तरह से आप जो है पहले से आप चेक कर सकते हैं कि अपने कंफर्मेशन परसेंटेज के हिसाब से कि आपका जो है वो PNR आपका टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर मान के चलिए इस पे आपको 50% या 40% चांस दिखा देता है तो मान के चलिए कि ये PNR कंफर्म नहीं होगा, तो आप दूसरा कोई ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, पहले से ही, क्योंकि उसके पीछे लगने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप 30-40% चांस दिखा रहा है तो, ठीक है। अगर 60% से ऊपर दिखा रहा है चांस तभी वो कंफर्म हो सकता है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से ही चेक कर सकते हैं अपना PNR का स्टेटस कि आपका PNR जो है आपका ट्रेन टिकट वो कंफर्म होगा या नहीं होगा। अगर नहीं कंफर्म होने वाला है तो आप दूसरा ऑप्शन देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, सबको कुछ ना कुछ पता चल सके। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।